हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई स्टाइल पोहा। फ्रेंड्स, वैसे तो पोहे काफ़ी टाइप्स के आते हैं, जैसे बनते हैं जैसे कि नमकीन, तीखा, मीठा, खट्टा, बट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र स्टाइल का। लेकर आई हूँ मुंबई में इसी तरह का पोहा बनाया जाता है ज़्यादातर जगह पर। तो आज मैं मुंबई स्पेशल पोहा लेकर आई हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो रेसिपी को जरूर देखिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पोहे के लिए हमें क्या चाहिए? बारीक कटा हुआ कांदा, लेमन, हरी मिर्ची, करी पत्ता, धनिया कटा हुआ, और ये भुना हुआ सिंग दाना, जैसे हम पीनट्स मूँगफली भी बोलते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में फ्रेंड 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है। ये तेल गर्म हो गया, हम इसमें राई डालेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून आप राई डाल दीजिए, ये थोड़ा सा हींग, ये हमारी राई भून चुकी है। अभी इसमें बारीक कटा हुआ ये हरी मिर्ची और करी पत्ता डालेंगे, एंड ये कांदा। इसको हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। इतना ये हमारा कांदा भुनता है, इतना हम पोहे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक बाउल पोहा ले रखा है। आप पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर इसमें पानी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिला लेना है, गीला कर लेना है। ये हमारा पोहा गीला हो चुका है, इसमें मैं 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के आप इसको मिला दीजिए ताकि गीले पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा जो ये कांदा है भून चुका है, अभी हम इसमें पोहा डालेंगे, और जो हमने ये भुने हुए पीनट्स रखे थे वो डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, एंड ये बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। अब हमें इसमें 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम लेमन डालेंगे। मैंने इसमें 1/2 नींबू डाला है। अब नींबू अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अभी गैस को बंद कर दीजिए और हमारा पोहा तैयार हो चुका है। पोहे को डेकोरेट करने के लिए इस पर आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, सेव नमकीन या मिक्स नमकीन। यहाँ पर ये मैंने मिक्स नमकीन डाले, कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते थे। ये हमारा फ्रेंड्स बॉम्बे स्टाइल पोहा तैयार। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए इस पोहे को, और मुझे ज़रूर शेयर कीजिए इसके कॉमेंट्स कि आपको ये पोहा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पोहे के लिए हमें क्या चाहिए? बारीक कटा हुआ कांदा, लेमन, हरी मिर्ची, करी पत्ता, धनिया कटा हुआ, और ये भुना हुआ सिंग दाना, जैसे हम पीनट्स मूँगफली भी बोलते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने यहाँ पर कढ़ाई में फ्रेंड 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है। ये तेल गर्म हो गया, हम इसमें राई डालेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून आप राई डाल दीजिए, ये थोड़ा सा हींग, ये हमारी राई भून चुकी है। अभी इसमें बारीक कटा हुआ ये हरी मिर्ची और करी पत्ता डालेंगे, एंड ये कांदा। इसको हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। इतना ये हमारा कांदा भुनता है, इतना हम पोहे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक बाउल पोहा ले रखा है। आप पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर इसमें पानी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिला लेना है, गीला कर लेना है। ये हमारा पोहा गीला हो चुका है, इसमें मैं 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के आप इसको मिला दीजिए ताकि गीले पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाए।
हमारा जो ये कांदा है भून चुका है, अभी हम इसमें पोहा डालेंगे। और जो हमने ये भुने हुए पीनट्स रखे थे वो डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी एंड ये बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसको 2 मिनट के ऐसे छोड़ दीजिए। अब हम इसमें 2 मिनट हो चुके, अब इसमें हम लेमन डालेंगे। मैंने इसमें आधा नींबू डाला है, अब नींबू अपने क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अभी गैस को बंद कर दीजिए और हमारा पोहा तैयार हो चुका है। अगर पोहे को डेकोरेट करने के लिए तो आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, सेव नमकीन या मिक्स नमकीन। यहाँ पर ये मैंने मिक्स नमकीन डाले, आप कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते। तो ये हमारा फ्रेंड्स बॉम्बे स्टाइल पोहा तैयार। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए इस पोहे को, और मुझे ज़रूर शेयर कीजिए इसके कॉमेंट्स कि आपको ये पोहा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।